भागवतम एकादश कंद अध्याय एक यदुवंश को शाप। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम से मिलकर तथा यदुवंशियों से घिरे रहकर अनेक असुरों का वध किया। तत्पश्चात पृथ्वी का और भार हटाने के लिए भगवान ने कुरुक्षेत्र के उस महान युद्ध की योजना की, जो कुरुओं तथा पांडवों के बीच सहसा हिंसा के रूप में भड़क उठा। क्योंकि पांडु पुत्र अपने शत्रुओं के अनेकानेक अपराधों से, यथा कपटपूर्ण जुआ खेलने, वचनों द्वारा अपमान, द्रौपदी के केश कर्षण तथा अन्य अनेक क्रूर अत्याचारों से क्रुद्ध थे, इसलिए परमेश्वर ने उन पांडवों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कारण रूप में उपयोग किया। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बहाने पृथ्वी पर भार बन रहे सारे राजाओं को अपनी अपनी सेनाओं समेत युद्ध भूमि में दोनों ओर से एकत्र कराने की व्यवस्था की, और जब भगवान ने उन्हें युद्ध के माध्यम से मार डाला तो पृथ्वी का भार हल्का हो गया। भगवान ने अपने बाहुओं द्वारा संरक्षित यदुवंश का प्रयोग उन राजाओं का सफाया करने के लिए किया, जो अपनी सेनाओं सहित इस पृथ्वी के लिए भार बने हुए थे। तत्पश्चात अघाध भगवान ने मन ही मन सोचा, भले ही कोई यह कहे कि अब पृथ्वी का भार समाप्त हो गया है, किंतु मेरे मत से यह अब भी दूर नहीं हुआ, क्योंकि अब भी यादव वंश बचा हुआ है, जिसकी शक्ति पृथ्वी के लिए असहनीय है। भगवान कृष्ण ने सोचा, इस यदुवंश के सदस्य सदैव मेरे पूरी तरह से शरणागत रहे हैं और इनका ऐश्वर्य असीम है, अतः कोई भी बाहरी ताकत इस वंश को पराजित नहीं कर पाई, किंतु यदि मैं इस वंश के भीतर कलह को प्रोत्साहित करूं तो वह कलह बांस के कुंज में घर्षण से उत्पन्न अग्नि की तरह कार्य करेगा, तब मैं अपना असली मंतव्य प्राप्त करके अपने नित्य धाम को लौट सकूंगा। हे राजा परीक्षित, जब परम शक्तिशाली भगवान ने, जिनकी इच्छा सदैव पूरी होकर रहती है, इस प्रकार अपने मन में निश्चय कर लिया, तो उन्होंने ब्राह्मणों की सभा द्वारा दिए गए शाप के बहाने अपने परिवार को समेट लिया। भगवान कृष्ण समस्त सौंदर्य के आधार हैं, सारी सुंदर वस्तुएं उन्हीं से निकलती हैं, और उनका स्वरूप इतना आकर्षक है कि वह अन्य सारी वस्तुओं से आंखों को हटा देता है, अतः वो उनकी तुलना में सौंदर्य विहीन प्रतीत होती हैं। जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर थे तो वे सबों के नेत्रों को आकर्षित कर लेते थे। जब कृष्ण बोलते थे तो उनके शब्द उन सबों के मन को आकृष्ट कर लेते थे, जो उनका स्मरण करते थे।
लोग कृष्ण के चरण चापों को देखकर आकृष्ट हो जाते थे और अपने शारीरिक कार्यों को वे उनके अनुयायी बनकर उन्हें ही अर्पित करने की इच्छा करने लगते थे। इस तरह कृष्ण ने आसानी से अपनी कीर्ति का विस्तार कर लिया था, जिसका गायन अत्यंत वधान्य एवं अनिवार्य वैदिक श्लोकों के रूप में विश्व भर में किया जाता है। भगवान कृष्ण मानते थे कि इस कीर्ति का श्रवण तथा कीर्तन करने से ही भविष्य में जन्म लेने वाले भद्र जीव अज्ञान के अंधकार को पार कर सकेंगे। इस व्यवस्था से तुष्ट होकर वे अपने इच्छित गंतव्य के लिए विदा हो गए। राजा परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मणों ने उन वृष्णियों को कैसे शाप दिया जो ब्राह्मणों के प्रति सदैव आदर भाव रखते थे, दानी थे और वृद्ध तथा सम्मानित पुरुषों की सेवा करते थे तथा जिनके मन सदैव कृष्ण के विचारों में पूरी तरह लीन रहते थे। राजा परीक्षित पूछते रहे, इस शाप का क्या उद्देश्य था? हे द्विज श्रेष्ठ, यह किस तरह का था? और यदुओं में जो एक ही जीवन लक्ष्य भागी थे, ऐसा मतभेद क्यों कर उत्पन्न हुआ? कृपया मुझे ये सारी बातें बतलाएं। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, समस्त सुंदर वस्तुओं के सम्मिश्रण रूप अपने शरीर को धारण करने वाले भगवान ने पृथ्वी पर रहते हुए अत्यंत शुभ कार्यों को कर्तव्य परायणता के साथ संपन्न किया। यद्यपि वे बिना किसी प्रयास के अपनी सारी इच्छाएं पहले ही पूरी कर चुके थे, अपने धाम में रहते हुए तथा जीवन का आनंद उठाते हुए अब भगवान ने, जिनका महिमा गायन स्वयं उधार है, अपने वंश का संहार करना चाहा, क्योंकि अब भी उन्हें कुछ थोड़ा सा कर्म करना शेष था। एक बार विश्वामित्र, असित, कर्ण, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि तथा वशिष्ठ मुनियों ने नारद तथा अन्यों के साथ मिलकर प्रचुर पुण्य प्रदान करने वाला, परम सुख लाने वाला तथा मात्र उच्चारण करने से समस्त जगत के कलयुग के पापों को दूर करने वाला एक सकाम अनुष्ठान किया। इन मुनियों ने इस अनुष्ठान को कृष्ण के पिता एवं यदुओं के अग्रणी वसुदेव के घर में संपन्न किया। जब उस समय वसुदेव के घर में काल रूप में निवास कर रहे कृष्ण उत्सव की समाप्ति होने पर मुनियों को आदर पूर्वक विदा कर चुके, तो वे मुनि पिंडारक नामक पवित्र तीर्थ स्थान चले गए। उस तीर्थ स्थान में यदुवंश के तरुण बालक जाम्बवती के पुत्र सांब को स्त्री के वेश में ले आए थे। उन बालकों ने खिलवाड़ करते हुए वहां पर एकत्र महामुनियों के पास पहुंचकर उनके चरण पकड़ लिए और बनावटी विनयशीलता से उदंडता पूर्वक उनसे पूछा, हे विद्वान ब्राह्मणों, यह श्याम नेत्रों वाली गर्भिणी स्त्री आप लोगों से कुछ पूछना चाहती है। वह अपने विषय में पूछने में अत्यधिक लजा रही है। वह शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली है और पुत्र प्राप्त करने के लिए अत्यंत इच्छुक है। क्योंकि आप सभी अच्युत दृष्टि वाले महामुनि हैं, अतः कृपा करके हमें बताएं कि इसकी संतान बालिका होगी या बालक। हे राजन, धोखे से
इस तरह उपहास का पात्र बनाए गए मुनि क्रुद्ध हो गए और उन्होंने बालकों से कहा, मूर्खो, वह तुम्हारे लिए लोहे का एक मूसल जनेगी जो तुम्हारे समस्त कुल का विनाश करेगा। मुनियों का शाप सुनकर भयभीत बालकों ने झटपट सांप के पेट से कपड़े हटवाए और सचमुच उन्होंने देखा कि उसके भीतर एक लोहे का मूसल था। यदुवंश के तरुण लोगों ने कहा, ओह, यह हमने क्या कर डाला, हम कितने अभागे हैं, हमारे परिवार वाले हमसे क्या कहेंगे। ऐसा कहते हुए तथा अतीव विक्षुब्ध होकर वे अपने साथ उस मूसल को लेकर अपने घरों को लौट गए। वे यदु बालक जिनके मुख की कांति पूरी तरह फीकी पड़ चुकी थी, उस मूसल को राजसभा में ले आए और समस्त यादवों की उपस्थिति में उन्होंने राजा उग्रसेन से जो कुछ घटना घटी थी कह सुनाई। हे राजा परीक्षित, जब द्वारका वासियों ने ब्राह्मणों के अमोघ शाप को सुना और मूसल को देखा तो वे भय से विस्मित तथा किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। मूसल को चूरे चूरे में तुड़वा कर यदुओं के राजा आहु उग्रसेन ने स्वयं उन खंडों को तथा शेष बचे लोहे के टुकड़े को समुद्र के जल में फेंक दिया। किसी मछली ने वह लोहे का टुकड़ा निगल लिया और लोहे के शेष खंड लहरों द्वारा किनारे पर लग गए, जहां पर वे ऊंचे तीक्ष्ण धरकटों के रूप में उग आए। यह मछली अन्य मछलियों के साथ समुद्र में मछुआरों के जाल में पकड़ ली गई। इस मछली के पेट में स्थित लोहे के टुकड़े को जरा नामक शिकारी ले गया, जिसने उसे अपने तीर की नोक में लगा लिया। इन सारी घटनाओं की महत्ता को पूर्णतया जानते हुए ब्राह्मणों के शाप को पलट सकने में समर्थ होते हुए भी भगवान ने ऐसा करना नहीं चाहा। प्रत्युत काल के रूप में उन्होंने खुशी खुशी इन घटनाओं को स्वीकृति दे दी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के अंतर्गत यदुवंश को शाप नामक पहले अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।